एक रेस्टोरेंट में नाश्ते के समय बड़ी भीड़ पड़ती थी, बहुत लोग आते थे, और एक आदमी उस भीड़ का फायदा उठा करके नाश्ता कर लेता था और पैसे दिए बिना वहां से चला जाता था। वो रेस्टोरेंट जो था बड़ा फेमस होता जा रहा था, उसका नाश्ता जो था बड़ा पॉपुलर होता जा रहा था, बहुत लोग आते थे। तो एक आदमी वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो इस भीड़ का फायदा उठा करके बिना बिल चुकाए, बिना पैसे चुकाए निकल लेता, और उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा वहां का नाश्ता, उसने डेली आना शुरू किया। और जब दो तीन दिन उसने देखा कि ये तो रोज ही आकर के फ्री में खा रहा है, तो उसे लगा मालिक से बात करें, बताएं कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मालिक से मिल नहीं पाता था, इतनी भीड़ होती थी, बात नहीं हो पाती थी। एक दिन थोड़ी सी भीड़ कम थी जब वो पहुंचा आदमी, तो उसने कहा भैया सुनो आप मालिक को। बोले हाँ मैं यहाँ का ओनर हूँ। बोले एक बात करनी थी आपसे। उसने कहा बस थोड़ा सा कस्टमर फ्री हो जाए फिर आपसे बात कर लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। उसने कहा हाँ ठीक है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब भीड़ पूरी तरीके से छट गई तो गया मालिक के पास, बोला काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी दुकान है तुम्हारी, बहुत लोग आते हैं लेकिन घाटा हो रहा है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अगर एक आदमी की तरफ से भी घाटा होता है तो सहना नहीं चाहिए। बोले क्या हो गया? बोले मैं देख रहा हूँ, पहली बात तो आपका नाश्ता बड़ा अच्छा है, मैं आना शुरू कर चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तीन चार दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है जो आता है नाश्ता करता है बिना पैसे दिए निकल लेता है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, आप अपने वेटर वगैरह इनको तैनात रखो और अगली बार जब वो आए तो उसे पकड़ो और पुलिस के हवाले करो या फिर उससे पैसे लो कि इतने दिनों से फ्री में खा के जा रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है ना। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, कह रहे भाई साहब आप समझोगे नहीं, मैं पूरी बात समझाता हूँ। बोले जो भीड़ है ना ये उसी की वजह से। वो सामने वाले आदमी ने कहा क्या बात कर रहे हो, उसकी वजह से भीड़ कैसे? बोले हाँ, और ये आप पहले इंसान नहीं हो जो मुझे बता रहे हो कि वो आता है फ्री में खा के जाता है, बहुत लोग आके मुझे बताते हैं कि एक आदमी आपके यहाँ पे आता है फ्री में नाश्ता करके जाता है पैसे नहीं देता। बोले मुझे जब ये पहली बार मालूम चली तो पहली बार बात मालूम चली, मैं उसके पीछे पीछे गया, मैंने थोड़ा देखा उसको कौन है कहाँ से आता है, यहीं पास वाले सिग्नल पर भीख मांगता है। ना मैंने उसको कभी अपमानित किया, ना कभी उसकी इंसल्ट की, ना कभी उससे कुछ उल्टा सीधा कहा, ना कभी उससे पैसे मांगे, ना कभी उसे भगाया, उसको आने देता हूँ, वो पेट भर के खाता है चला जाता है। और आप पूछ रहे हो ना कि ये भीड़ उसकी वजह से क्यों है, तो मैंने उसे देखा है, वो कई बार रेस्टोरेंट के सामने बैठा होता है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा होता है कि थोड़ी भीड़ आ जाए तो चुपके से जाऊं और फ्री में खा के आ जाऊं। ये भीड़ भाई साहब उसी की प्रार्थना की वजह से आती है। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा तो वो जो बिजनेसमैन था जो नाश्ता करने आने लगा था उसकी सोच बदल गई। उसने कहा हाँ, हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि कई बार हमारी लाइफ में जो खुशियाँ आई होती हैं वो दूसरों की दुआओं से, दूसरों की प्रार्थनाओं से आई होती है, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करना, उन्हें थैंक यू कहना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इसे लाइफ में संभाल कर रखिए और शो करते चलिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए उसका धन्यवाद करते चलिए। और ये मत मानिए कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये मानिए कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है।